हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो एबे जीव विज्ञान रो पृष्ठा खोल, 60 पृष्ठा, पेज 60 खोल। पिला देखो कौन अच्छी ना, कोष विभाजन, से टॉपिक को आम ओवरऑल आज डिस्कशन करवा और जानवा कोष विभाजन केते भाग रे विभक्त, कौन कौन ये जो टॉपिक आम पढ़ुचु ये इम्पोर्टेंट रहुचि। ये शॉर्ट नोट आसुचि सब वर्ष, आउ माइटोसिस भी आसुचि, म्यूसिस भी आसुचि। जे वर्ष माइटोसिस आसुचि, म्यूसिस आसुनी, किंतु ओवरऑल देखा गले प्रति वर्ष आर क्वेश्चन रहुचि। तेणु ये पॉइंट आम जो पढ़ा, ये पॉइंट गुड़ाक नोट डाउन कर, आपको प्राक्टिस कर। फास्ट भिडियो आम पार्ट टू रे जो आम पढ़ु जनन पार्ट टू भिडियो, तो पार्ट टू भिडियो आम माइटोसिस म्यूसिस डिफरेन्स अनुसार पढ़ीजा। तापर नेक्स्ट पार्ट को आम आर कनसेपचुआल आपको कौन करवा ना डायग्रामेटिकल आपको बुझा, आर डायग्रामेटिकली बुझा तो किभ भाव में ये सेल डिविजन करुच्ची, आउ कि से सेल डिविजन करुच्ची, के फेज देखी जाऊँगी, कौन कौन सब अवस्था से अतिक्रम करुच्ची, से टॉपिक को आम पढ़ा। तो ये टॉपिकटा फास्ट पढ़ी सारापर मुझे चाहूँ जो पे टॉपिकटा को पढ़ुच तापर आर टॉपिकटा को देख, कारण से टॉपिकटा ये टॉपिकटा पढ़ी सारापर से टॉपिकटा न देखिले तुम आर जो पॉइंट गुड़ा तुम पढ़ी थो भूली। तो पिला देख आम आरंभ कर कोष विभाजन, ये जो कोष विभाजन कौन हो, कोष विभाजन है आम शरीर जो गठित, आम पूर्व पढ़ीचु आम जानूँ आम शरीर कौन थे या कोष मानक नहींकमर जो कोष मानक कौन तैयारी ना टीस्यू या तो टीस्यू मानक नहीं कौन या जहाँ आम कह कोष मानक नहीं कोष संस्था, तो कोष संस्था मानक नहीं कौन अंग, तापर अंग मानक नहीं अंग संस्था, तो अंग संस्था को लेकिन कौन शरीर। तो ये प्रकार आम जो जानूँ तो यूनिट किए ना कोष, जहाँ कोष विभाजन देख कोष विभाजन है आम डेभलप हो, आमर डेवलपमेंट कौन हुए ना कोष विभाजन हुए। तो से टॉपिक को आम देखु, देख पिले ये आम देखु कोष विभाजन, ये कोष विभाजन को दुईट भाग में विभक्त कराई, गोटे सम विभाजन गोटे अर्ध विभाजन। कौन कहली मन रख पिले कहले मो सम विभाजन अर्ध विभाजन, तो सम विभाजन को कहा जाए माइटोसिस, अर्ध विभाजन को कहा जाए म्यूसिस। पहले मन रहा ना, तो सम विभाजन कौन कह जाए ना, सम विभाजन को कह जाए माइटोसिस, अर्ध विभाजन को कह जाए म्यूसिस। तो ये दुटा है कौन ना कोषर विभाजन, कोष विभाजन को दिभाग विभक्त कराला। तो ये जो सम विभाजन जहाँ को आम कौच, जहाँ को आम कौन कौचु ना माइटोसिस बोली कौचु। ये माइटोसिस कौन हो ना, माइटोसिस कायिक कोष विभाजन हो। पूर्व कही कायिक कोष विषय आमर जो शरीर होल शरीर आम तैयारी कौन थे ना कायिक कोष, किंतु गैमेट तैयारी जो थे जेटा को आम कौच कौन ना जो लिंगीय लिंगीय कोष, से लिंगीय कोषटा है जायिक कोष। तो आउ शरीर कोषटा को कौन कह जाए सोमाटिक सेल को कौन कह जाए ना कायिक कोष बोली कह जाए। तो कायिक कोष सेल डिविजन हम सम विभाजन, तो सम विभाजन क्या कोष सेल डिविजन हम ना कायिक कोष, तेने कायिक कोष से संगठित होता है सम विभाजन। किंतु जायिक कोष से, तो जायिक कोष से संगठित हुए अर्ध विभाजन, बुझेगा। तो ताने ये जो सम विभाजनटा, सम विभाजनटा गोटे सरल प्रक्रिया, किंतु आपको जटिल प्रक्रिया भी धरा जाए। ये ये कौन करे ना, ये चारोटी अवस्था देकी जाए, तेणुक सम विभाजन जटिल है। किंतु अर्ध विभाजनटा तो बाबू, तो सम विभाजन जटिल माने अर्ध विभाजन सरल नाई बिले, जे कि ये जटिल प्रोसेस हेले भी ये आहरी कौन ना ये जटिल देकी जाए, माने फास्ट सरल हुए तापर जटिल हुए, बुझीगला। तो पिले तो यहाँ देख आमर जो पढ़ुचे सम विभाजन, ये सम विभाजन पर्याय कौन कौन सब पर्याय अच्छी, कौ कौ पर्याय देकी से जाए ना, प्रथम से पर्याय देकी जाए तार न्यष्टिटा विभाजन हुए, तार न्यूक्लियसटा विभाजन हुए। आमर जो सेल देखुचु, तो सेल रो जो न्यूक्लियस विभाजन हुए, प्रथम न्यूक्लियस विभाजन हुए, तापर कौन हुए ना कोष जीवक सब विभाजन हूँ। तो प्रथम किए हुए न्यूक्लियस विभाजन हुए, तापर कोष जीवक विभाजन हूँ, से यार पर्याय है दुईट, से यार पर्याय कौन ना दुईट, कौन पर्याय ना प्रथम पर्याय, आउ गोटे द्वितीय पर्याय। पिले सम विभाजन कतोटी पर्याय ना दुईट पर्याय, गोटे प्रथम पर्याय आउ गोटे द्वितीय पर्याय। ये प्रथम पर्यायर कौन हम ना न्यष्टि विभाजन हम, आउ द्वितीय पर्यायर कोष जीवक विभाजन हम। जदि आम जा अर्ध विभाजन को, तो अर्ध विभाजन जदि आम देखा तार सेमती पर्याय, ये भी दुईट पर्याय, तुम भावुव ये भी दुईटा पर्याय, मानने एटे भी सेमती न्यष्टि विभाजन सेमती कोष विभाजन हम। देख पिले नाई,
ये नेष्टि विभाजन आश विभाजन एमती कोश जीवक विभाजन एमती हुए हुए ना ही नुए हुए किंतु द्वितीय पर्याय ये हुए तेने प्रथम पर्याय कौन हुए ना गुणसूत्र अर्धेक हुए प्रथम विभाजन कौन हुए पॉइंट देख पॉइंट नोट डाउन कर मुझे कौन गुणसूत्र अर्धेक हुए कई अर्ध विभाजन तेने अर्ध विभाजन प्रथम विभाजन जितेबाला आम देखु पर्याय व प्रथम पर्याय पर्याय कौन होमें प्रथम विभाजन बोली कौच तो प्रथम पर्याय कोशर गुणसूत्र अर्धे कहु एटी कौन होर कि कोशर गुणसूत्र कथा कि वर्णना कराईनि तमें सम विभाजन सेल सेना विभाजन होश सेना अलग होटा कोश तैयारी हो कि दुईटा कोशर क्रोमोसोम जेटा को आम गुणसूत्र कौचु तो गुणसूत्र सामान रोच तो मनीषर गुणसूत्र के 46 तो 46 ये जो दुटा गोटे सेल कौन कला ना दुटा सेल जो डिजन कला सेल डिजन जो कला ये गोटे सेल ये मातृकोश ये मातृकोश रु दुटा अपत्यकोश जत है अपत्यकोश भी 46 नंबर क्रोमोसोम कंटेन कले तो मैंने गुणसूत्र सामान रहा कि अर्धेक बेले आम कौन देखा ना अर्धेक बेले ये 46 जीटा कौच से 23 हो पहले बुझल ना ये कौन है ना गुणसूत्र अर्धेक है गुणसूत्र अर्धेक यटा को अर्ध विभाजन कहा जाए आउ ये गुणसूत्र अर्धेक यटा को रिडक्शन डिविजन बा न्यूनिक विभाजन कह जाए पे मन रखिबो या को कौन कह जाए ना न्यूनिक विभाजन न्यूनक न्यूनक कौन ना न्यूनक माने रिडक्शन माने कमी जीवा बुझल न्यूनक माने कमी जीवा ये कौन कमी जाए कौन न्यूनक हो जाए ना क्रोमोसोम जेटा को आम कौन कौच ना गुणसूत्र कौचु तो ये गुणसूत्र अर्धेक हो जाए गुणसूत्र अधाई जाए कई ना अर्ध विभाजन तो प्रथम विभाजन कौन हुए ना गुणसूत्र अर्धेक हुए किंतु द्वितीय विभाजन आर नूतन कोश सम विभाजन हुए तो आर पर्याय देख पिले आर जो प्रथम पर्यायटा रोचे आर प्रथम पर्यायटा कोशर गुणसूत्र विभाजन पर्याय आर द्वितीय पर्यायटा सम विभाजन देख अर्ध विभाजन जेटा आम कौचु प्रथम पर्याय गुणसूत्र अर्धे कौचि कितु ये अर्ध विभाजनटा गुणसूत्र अर्धेक हो सर सम विभाजन होने अर्ध विभाजन आम दुटा जाक पढ़ा अर्ध विभाजन जितेबाला आम देखा डायग्रामेटिकाल कह पर क्लास में बुझे से तुम पूरा अंडरस्टाण हो पार तो किभली भाव में यह सब घटना घटू आर सब पर्याय गुड़ाक कि भाव में घटू जे कि अर्ध विभाजन प्रथम तो गुणसूत्र अर्धेक ही किंतु आ बाद कौन होना द्वितीय विभाजन कौन होना पुणी सम विभाजन होती जमी सम विभाजन 46 नंबर क्रोमोसोम हवा कथा तो सेमती सी पुणी कंटेन करके ग्रोथ कर बुझल तो ये सब घटना घटुची जदि आम जा अवस्था को जदि आम देखा सम विभाजन कौन सब अवस्था अच्छी तो किभली भाव में कौन सब अवस्था से धारण कर तो पे देख जदि आम सम विभाजन को जीवा आम बही चारोटी अवस्था दे सम विभाजन भी चारोटी अवस्था अर्ध विभाजन चारोटी अवस्था सर्ट क्वेश्चन आसने भी जदि सर्ट क्वेश्चन आसे सम विभाजन केतोटी अवस्था रही डेस्टी अवस्था धारण करे सम विभाजन डेस्टी अवस्था धारण करे चारोटी अवस्था धारण करे बा अर्ध विभाजन डेस्टी अवस्था संगठन संगठित हुए डेस्टी अवस्था ना से चारोटी अवस्था संगठित हुए किंतु ता व्यतीत भी माने व्यवस्था रही माने अवस्था सब रही कौन अवस्था रही पे देख जे कि आम बहर तो चारोटी अवस्था देखिए जहाँ है आद्यावस्था मध्यवस्था उत्तरावस्था अंतिम अवस्था आद्यावस्था मध्यवस्था उत्तरावस्था अंतिम अवस्था पे मन रख आद्यावस्था मान आरंभ अवस्था मध्यवस्था मैंने मझी पोजिशन उत्तरावस्था तापर मध्यवस्था पर उत्तरावस्था तापर अंतिम अवस्था मैंने शेष हम तो सेमती रे ठीक अर्ध विभाजन भी सेमती आद्यावस्था मध्यवस्था उत्तरावस्था अंतिम अवस्था बुझले जे कि आम एति सर जान लु कि आर अवस्था प्रथम कौन हुए ना गोटे अंतरा अवस्था आसे अंतिमा नुहे अंतरा पिले देखो स्पेलिंग अंतरा फास्ट कौन हुए ना सम विभाजन पिले मन रख फास्ट कौन हुए ना अंतरा अवस्था हुए डायग्राम जिते बारे बुझे से पॉइंट को मु पचार मत से कह कि प्रथम ये कौन हो ना सम विभाजन अंतरा अवस्था हो तो आद्यावस्था आद्यावस्था पुणी दि प्रकार गोटे पूर्व आद्यावस्था गोटे शेष आद्यावस्था आउ मध्यवस्था तापर है मध्यवस्था तापर उत्तरावस्था तापर अंत्यवस्था
अंतिम अवस्था पर भी आम देखु अपत्यकोष अपत्यकोष ठी दुईट अपत्यकोष हुए मन रख पिले सम विभाजन दुईट अपत्यकोष हुए जदि गोटे सेल डिविजन है सेल जदि कोष विभाजन कला कतोटी अपत्य हम कतोटी कोष हम ना दुईट सम विभाजन दुईट कोष होती अर्ध विभाजन चारोटी कोष तो अर्ध विभाजन चारोटी कोष पिले देख पुणी आम जो कौ अर्ध विभाजन चारोटी कोष होती कौन होना ये भी सेमती अवस्था रोचे प्रथम आद्यावस्था रोचर मध्यवस्था तापर उत्तरावस्था तापर अंत्यावस्था कितु ये दुईथर लेखा हो कौन कहली दी थर लेखा मान कौन ना प्रथम गुणसूत्र अर्धक ये सब अवस्था होनी सम विभाजन पुणी जमी अवस्था हाब सेमती पुणी हो बुझला तेल आम अर्ध विभाजन टा जब पूरा डायग्राम टाक भल बुझीपर ते ये भी आम सम विभाजन भी हो अर्ध विभाजन भी बुझे आपरे आम इसी क्लास करुचु देख पिला देख जो आद्यावस्था होती आद्यावस्था को पांचटी उपावस्था विभक्त कराई यही आद्यावस्था पांचटी उपावस्था विभक्त कराई गोटे कौन ना गोटे है लेप्टोटिन पहले मन रखता खाली नाम नेमिंग गुड़ाक प्राक्टिस करके रखता आपर आम सब आपको बुझू लेप्टोटिन तापर है जाइगोटिन तापर है पाकिटिन तापर है डिप्टोटिन तापर है डायाक्टिसेस कौन डायाक्नेसिस डायाक्नेसिस तो आद्यावस्था पांचटी उपावस्था गोटे लेप्टोटिन जाइगोटिन प्राक्टि कौन पाकिटिन आउ गोटे डिप्लोटिन आउ गोटे डायाक्सीसिस यही पांचटी अवस्था आम जी पांचटी उपावस्था को पास कले आम आद्यावस्था कम संपूर्ण करवापर मध्यवस्था तापर उत्तरावस्था तापर अंत्यवस्था तो पहले ये सब आम कंटेन्ट गुड़ा जानलु तो केमी भाव में कोश विभाजन होने डायग्राम थ्रु रे बुझा तो एबे जीवा हमें डायग्राम थ्रू जानवा जे कि आपको केमी प्रकार होची।